जिसकी बच्चों में बसती है जान। जिसका दिल इतना सा होता है ना कि जो कुत्ते के ईंट तक नहीं मार सकता, अरे नहीं यार, वो इतना बड़ा दिल करके उस 6 किलोमीटर नीचे उतरता है। और क्यों उतरता है? माँ बूढ़ी है, बाप नहीं है, बीवी जवान है, बच्चे हैं छोटे, इसलिए उतरता है। उसकी मेहनत अपनी जगह है, मगर उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, मुलाजा फरमाए। माँ वो है माँ, माँ वो है माँ। होश क्या चीज थी औसान भी ले सकता था, होश क्या चीज थी औसान भी ले सकता था, वो कसम खाने को कुरान भी ले सकता था, वो कसम खाने को कुरान भी ले सकता था। बचा लिया मुझे माँ की दुआओं ने वरना, बचा लिया मुझे माँ की दुआओं ने वरना, बचा लिया मुझे माँ की दुआओं ने वरना, वो हाथ साथ मेरी जान भी ले सकता था। अगला शेर पढ़ूं, पर नहीं यही रोक। अगर आप लोगों की इजाजत है तो पढ़ूं।
पीछे जो कुर्सियों पे बैठी है मेरी बहनें, इजाजत हो तो पढ़ूं आगे, पढ़ूं क्यों 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 सर सर दर्द क्या है सीने का पसलियां समझती हैं, दर्द क्या है सीने का पसलियां समझती हैं, दर्द क्या है सीने का पसलियां समझती हैं, बाप की गरीबी को बेटियां समझती हैं, बाप की गरीबी को मुझको किसी के हाथ से छूने नहीं दिया, खाली स्टेटस, खाली स्टेटस ही 18 से 35 वाले नहीं रखेंगे, जितनी बहनें मोबाइल चलाती हैं सब कल स्टेटस रखेंगी इस शेर का। सुनिए क्या शेर है वो, मुझको किसी के हाथ से छूने नहीं दिया, बचपन से जवानी तलक रोने नहीं दिया, कुर्बान जाऊं मैं मेरी बेटी की बातों पर, बेटी ने मेरा सर कभी झुकने नहीं दिया। कुर्बान जाऊं मैं मेरी बेटी की बातों पर, बेटी ने मेरा सर कभी झुकने नहीं दिया। पीछे बहुत सारी बहनें बैठी हैं हमारी, जो हमें अपनी दुआओं से नवाज रही हैं, और कसीर तादाद में शेर सुनिए। जुल्मत वक्त में तनवीर बन के आती हैं, अच्छे ख्वाबों की वो ताबीर बन के आती हैं, बेटियों से जिन्हें नफरत है उन्हें बदला दो, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। दर्द क्या है सीने का अच्छे ख्वाबों की वो ताबीर बन के आती हैं, बेटियों से जिन्हें नफरत है उन्हें बतला दो, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। यहाँ जितने मुसलमान भाई बैठे हैं मैं उनकी नजर शेयर कर रहा हूँ, जौहर खान कोई साफ फरमाते हैं कि घर की बड़ी है शान बेटी से, क्योंकि बेटी ही माँ है, बेटी ही बीवी है, और बेटी ही नसीब है। अल्लाह ने बड़े मकामात से बेटियों को दर्जा बख्शा है, क्योंकि वो एक बेटी है जिसका नाम है फातिमा सलामुल्लाह अलैह, क्योंकि ऐ बिंत पैगंबर अगर तू माओ में ना होती। नौजवान तबका जरा तवज्जो दें, उन्हें अपना काम करने दें। राइट में जितने दोस्त बैठे मेरे, मेरी जितनी जाने बैठी हैं साइड में, आज बड़ा मूड में बैठा तुम्हारा जुनैद। ऐ फातिमा जहरा अगर तुम माओ में ना होती, ऐ फातिमा जहरा अगर तू माओ में ना होती, तो जन्नत भी कभी माओ के पाओ में ना होती, जन्नत भी कभी माओ के पाओ में ना होती। Oh,
गुलनाज ये दो लाइनें आपको तोहफे में दे रहा हूँ, अगर अच्छी लगे तो मेरे लिए दुआ करना। सामाई बड़ी उम्मीद के साथ ये शेर आपको दे रहा हूँ कि जितने नौजवान बैठे हैं इसमें से 50% मेरा चैलेंज 50% कुछ लड़के ऐसे हैं कि जो अपने बाप के सामने ज्यादा बोल भी नहीं पाते, कोई बात भी शेयर नहीं कर पाते। हाँ मगर अम्मी अम्मी कोई मम्मा कोई माँ कोई मॉम कोई अम्मी। अब शेर सुनना, खाली दो लाइनें पढ़ूंगा। मुसीबत का जाल रखती है, ये सारी दुनिया 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 मुसीबत का जाल रखती है, बस एक माँ है जो मेरा ख्याल रखती है। गौर से देखिए तारीख जरा, गौर से देखिए तारीख जरा, गौर से देखिए तारीख जरा, माँ से प्यारा भी नाम क्या होगा, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है उसके सर का मकाम क्या होगा, तो मैं उनसे नजर मिला रहा हूँ तो मुझे मेरा भी मूड चेंज हो जाएगा। चार लाइनें पढ़ना चाहता हूँ। जितने भी लोग अपनी माँओं से प्यार करते हैं जरा हाथ उठा करके बताएं, फिर शेर पढ़ेंगे। राधे भाई असलम और फिरोज भाई मेरा भाई और जनाब अजीम पटेल साहब उनके तीनों बच्चे जहां कहीं भी हैं, ये शेर सुनिए। इसके बाद इंशाल्लाह माहौल चेंज करूंगा मगर ये शेर बहुत जरूरी है मेरे लिए। 1 2 3 4 मगर अब मेरी जान, अब बात पैसे की खत्म हो गई, अब बात दिल की शुरू हुई, क्योंकि मैं सिर्फ भरवेली वालों के लिए शेर पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि मैं रोज हर नया स्टेज गाता हूँ 365 दिन है और सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह 265 प्रोग्राम करता हूँ। और ये मैं नहीं
जैन सर, ये मेरा जो जो मेरे फॉलोअर्स हैं, ये खुद इस बात को जानते हैं कि मेरी बीवी से मेरी लड़ाई इस बात की कि मैं घर पे कम रहता हूँ। हाँ, क्या करें साहब, परदेसी जाना पड़ता है और अल्लाह ताला काम, मैं दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन सबका कारोबार चलता रहे। कारोबार है तो सब कुछ है। सुनिए सर, हमारे एक भैया बैठे हैं पुलिस डिपार्टमेंट से, पीछे क्या नाम है सर आपका, पीछे सर के पीछे जो बैठे, शुभम शुभम भाई ने एक बात कही आप अभी मुझसे स्टेज पे आके कि जुनैद साहब मैंने फनकार बहुत देखे, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, बोले मगर पहली बार आपको देखा है बस और आपको सुना है तो मेरी दुनिया बदल गई। ये मैंने ही कसम खुदा की सर, ये खुद इनके जुमले थे जो इन्होंने मुझसे, भाई मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, आपने बोला एक बार खड़े हो जाए भाई, कभी किसी को लगे मैंने कुछ भी बोला। चार मिसरे सुन लीजिए सर, यहाँ की ऑडियंस, मैं मेरे मुंह में अल्फाज नहीं कि मैं किस तरीके से बयान करूं, चार लाइनें पहले मैं इनके लिए पढ़ दूं कि हाँ मैं ज़बान से कैसे बयां करूं, दिल सोगवार की बात है मेरी चश्मे तर से सुने कोई, गम हिजरे यार की बात है, है जो मोतरिज मेरे हाल पर उन्हें मेरे राज की क्या खबर, मेरे दिल की दुनिया बदल गई ये किसी के प्यार की बात है। मगर अब इस बच्चे के लिए पढ़ दूं, इस बच्चे के लिए नहीं जो पैसे देने आया था, आज पूरी भरवेली के लिए शेर पढ़ना चाहूंगा कि दिल की बस ये एक हसरत चाहिए, जैन सर दिल की बस ये एक हसरत चाहिए, एक सूरत खूबसूरत चाहिए। भरवेली वालों, बालाघाट वालों, अपनी दौलत बांट दो औरों को तुम, मुझको बस तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। आइए लास्ट शेर इस कलाम का, अपनी माँ से अपने बाप से प्यार करने वाले, क्योंकि सर फली तो खाते हैं बादाम नहीं खाते हैं, फली तो खाते हैं बादाम नहीं खाते हैं, गरीब बच्चे सरेआम नहीं खाते हैं, गरीब बच्चे सरेआम नहीं खाते हैं, मेरे माँ बाप ने बचपन से सिखाया मुझको, बेटे सब कुछ खाते हैं लेकिन हराम नहीं खाते हैं। एक दफा खाते हैं सुबह शाम नहीं खाते हैं, मेरे माँ बाप ने बचपन से सिखाया मुझको, बेटे सब कुछ खाते हैं लेकिन हराम नहीं खाते हैं। क्यों? एक बेवफा को मैंने एक बेवफा को मैंने गले से लगा लिया, हीरा समझ के कांच कट घोड़ा उठा लिया, दुश्मन तो चाहता था मिटाना मुझे मगर माँ की दुआ ने मौत के मुंह से बचा लिया।
बैठा बाबा भाई, परवेश बाबा, बाबा साहब यहाँ बैठे बाबा भाई। खैर फारूक भाई, एक बेवफा मैंने मिले से लगा लिया, हीरा समझ के कांच कट घोड़ा उठा लिया, दुश्मन तो चाहता था मिटाना मुझे मगर माँ की दुआ ने मौत के मुंह से।